है गुड मॉर्निंग एवरी वन, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। और आज के ब्लॉग में मैं आपको अपने विलेज का एक टूर देने वाला हूँ। वीडियो के साथ बने रहे हैं और ख़ास करके ये वीडियो उनके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मेरे गांव के हैं और दूर दराज किसी शहर या किसी कंट्री में रहते हैं और अपने गांव को मिस करते हैं। मेरे गांव का नाम है सोनाड़ी, जो कि यूपी के ज़िला बलिया के तहसील बिल्था रोड के अंतर्गत पड़ता है और ये अपने डिस्ट्रिक्ट से लगभग 72 किलोमीटर दूर और अपने तहसील से लगभग 10 किलोमीटर दूर है। और बात करें अगर लखनऊ की तो वहाँ से ये 344 किलोमीटर पड़ता है। जो गांव फिल्मों में दिखाए जाते हैं वैसा ये मेरा गांव तो है नहीं, क्योंकि जो फिल्मों में गांव दिखाए जाते हैं वो काफ़ी एक कंप्लीट सेटअप होता है, वो जो कि काफ़ी खूबसूरत बनाया जाता है। वो ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट हो और देखें उसको, बट जो मेरा गाँव है कुछ इस प्रकार दिखता है। और जिस रोड पे मैं अभी ये खड़ा हूँ, ये रोड हमारे गांव को जो शहर है हमारे यहाँ का बल्था रोड उससे कनेक्ट करती है। और इस रोड की हालत कुछ अच्छी है नहीं और ये पिछले 4-5 सालों से ऐसे ही है, मतलब टूटी हालत में ही है। मोड ऑफ़ ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो सोनाड़ी पहुँचने के लिए आपको जीप, ऑटो, ई रिक्शा या प्राइवेट व्हीकल अगर आप बुक करके आते हैं तो ये सारी व्हीकल्स आपको मिल जाएंगी, बशर्ते रोड की हालत थोड़ी ख़राब है तो आपको झेलना पड़ेगा। यहाँ पे हफ्ते में 3 दिन मार्केट लगती है जिसमें आपको हरी सब्जी, मीट वगैरह इजीली अवेलेबल होता है, बट मार्केटिंग करते समय एक बात से सावधान रहना पड़ता है क्योंकि यहाँ पे बंदर काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि जिस जगह मार्केट लगती है वहाँ से कुछ दूर पे एक बहुत बड़ा भव्य मंदिर भी है जहाँ पर ढेर सारे बंदर हैं और वो मंदिर माँ भगवती के नाम से फेमस है। और इस मंदिर के दर्शन करने के लिए हमेशा हर दिन श्रद्धालु आसपास के गाँव, आसपास के ज़िलों से आते रहते हैं। और इस प्लेस की एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि यहाँ पे हर साल अप्रैल के महीने में भव्य मेले का आयोजन होता है जिसमें कि दूर दूर से लोग आते हैं मेले का लुत्फ़ उठाने के लिए, और उस समय सोनाड़ी गांव का जो चकाचौंध है वो अपने चरम पे होता है। गांव के शिक्षा व्यवस्था के बारे में बात किया जाए अगर तो यहाँ पे 2 स्कूल हैं, एक प्राइमरी है और एक हाई स्कूल है। अगर इसको मैं और क्लेरिफाई करूँ तो एक जो स्कूल है उसमें 1 से लेकर 8 तक की पढ़ाई होती है और एक जो गवर्नमेंट स्कूल है वहाँ पे 1 से लेकर 10 तक की पढ़ाई होती है। गवर्नमेंट स्कूल के अलावा भी कई ढेर सारे प्राइवेट स्कूल्स भी हैं जिनमें से एक है पीडी पब्लिक स्कूल, रामधन इंटर कॉलेज स्कूल, और उसके अलावा एक आईआईटी कॉलेज भी है जो कि अभी उतना अच्छे से चलता नहीं है बट उसका इनॉग्रेशन वगैरह हो चुका है। अगर रियलिटी में देखा जाए शिक्षा व्यवस्था गवर्नमेंट स्कूल्स की तो वो इतनी बेहतरीन नहीं है, बशर्ते कि जो टीचर्स हैं वो वेल क्वालिफाइड है, बट जितने भी गांव के बच्चे हैं उनको उतनी अच्छी शिक्षा व्यवस्था गवर्नमेंट स्कूलों में नहीं मिलती है, इसीलिए जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में भेजते हैं और वही भेज पाते हैं जो कि अफोर्ड करते हैं। अगर देखा जाए तो जो लोग गरीब हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन अपने जीवन यापन कर रहे हैं तो उनके बच्चे उतने अच्छे शिक्षा नहीं ग्रहण कर पाते हैं, और यही कारण है कि जो मेरे गांव की लिटरेसी रेट है वो काफ़ी कम है, 60% के आसपास है, जो कि ठीक नहीं है मेरे अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, क्योंकि केरला के गाँव वगैरह में अगर आप देखें उनसे कंपेयर करें तो वहाँ के जो लिटरेसी रेट है वो काफ़ी हाई है, 90% के आसपास होती है। अभी मैं अपने गाँव का जो पूर्वी क्षेत्र है वहाँ घूम रहा हूँ और इधर मोस्टली आपको पूरा सारा खेत ही मिलेगा, पूरा खेत दिखाई दे रहा है, कहीं गेहूं का खेत है और अगर मेरे दाहिने साइड देखें तो सरसों की खेती हुई है, और इसी के आसपास थोड़ा बहुत आपको चना मिल जाएगा, मटर मिल जाएगी, और बस यही है, इसी चीज़ की खेतियां भी मेरे इस क्षेत्र में होती है।
एक बात बताना मैं भूल ही गया था, मंदिर के सामने का जो ये एरिया आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे फुटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट वगैरह का आयोजन अक्सर होता रहता है और पूरे गांव के लोग काफ़ी बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेते हैं। बात करें अगर मेडिकल फैसिलिटी की, तो जो मंदिर मैंने आपको दिखाया था उसके पीछे एक हॉस्पिटल था जो कि काफ़ी अच्छा बना हुआ था, और था मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो अभी पूरा फुल्ली फंक्शनल नहीं है। एक डॉक्टर हैं जो कभी कभी आते हैं, बैठते हैं और चले जाते हैं, और ये माना जाता है कि कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होने लगी थी, उसकी वजह से ये हॉस्पिटल बंद कर दिया गया था। अब इसके पीछे की क्या मूल सच्चाई है वो मुझे नहीं पता है। और देखा जाए तो 2-3 मेडिकल स्टोर्स हैं जो कि नॉर्मल दवा, अगर हल्का फुल्का बुखार जुखाम है ऐसा कुछ हो तो वो सारे वो फुलफ़िल कर पाते हैं। बाकी अगर कोई बहुत बड़ी मेडिकल कंडीशन होती है तो उसके लिए हमें हमारे जो शहर है बिल्थरा रोड वहाँ जाना पड़ता है, अगर उससे भी हालत बिगड़ती है तो मऊ या बनारस जाना पड़ता है। लोग कहीं के भी हों, 3 चीज़ें इम्पॉर्टेंट होती हैं लाइफ में, रोटी, कपड़ा और मकान। मतलब एक व्यक्ति अपनी जीविका कैसे चलाता है। और हमारे गांव की अगर बात करें तो लगभग 30% लोग खेती पर डिपेंडेंट हैं, मतलब खेती के अलावा कुछ नहीं करते हैं। और बाकी के 20% जो लोग हैं वो डिपेंडेंट हैं सर्विस पे, मतलब वो कोई ना कोई जॉब करते हैं। और बाकी के जो 50% लोग हैं वो खेती और जॉब दोनों करते हैं, मतलब कोई ना कोई रोज़गार भी है उनका और वो खेती भी करते हैं। तो ये है हमारे गाँव का कुछ सिनेरियो जॉब को लेके। आई होप कि आपको वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, और जो लोग इस वीडियो को मेरे गांव से देख रहे हैं, मतलब मेरे गांव के जो लोग हैं अगर उस वीडियो को देख रहे हैं और मुझसे अगर कुछ छूट गया है तो वो कमेंट करके बता सकते हैं ताकि मैं उसको आगे ऐड कर सकूँ आने वाली वीडियोज़ में।